हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दाकियन इंडिया में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बताएंगे कि भिवानी बोर्ड का रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब आया है, तो उसका पेपर आप दोबारा कैसे चेक करवा सकते हैं। उससे पहले बता देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं वीडियो में क्या दे रखा है। तो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 10वीं 12वीं के रीचेकिंग और रिलेशन फार्म का, वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रीचेकिंग और रिलेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी फ़ीस कैसे भरी जा सकती है और आप नंबर है वो कैसे बढ़ा सकते हैं अपने। तो ये जो हरियाणा भिवानी बोर्ड है, इनका जो भी रिज़ल्ट आया है 10वीं 12वीं का रेगुलर कैंडिडेट्स का, वो कैंडिडेट्स जो है भी रेगुलर जो अपना पेपर दोबारा चेक करवाना चाहें, अपने नंबर कैसे बढ़वा सकते हैं उसके लिए बता देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो 10वीं क्लास है उसके लिए यहाँ पे दे रखी है 10/6/2018 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, और सीनियर सेकेंडरी क्लास है उसके लिए 7 तारीख से 2018 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट रिलेशन पेपर अपना दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारा पेपर सही हुआ है लेकिन नंबर सही नहीं मिले, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है रीचेकिंग और रिलेशन के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर आप दोबारा चेक करा सकते हैं वो 20 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन फार्म के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आप जो रिलेशन और रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जो सूचना बोर्ड की वेबसाइट है BSEH, इसके ऊपर ही उसका रिजल्ट है वो आएगा रीचेकिंग और रिलेशन का। 10वीं और 12वीं क्लास है उसमें 90% से अधिक अंक जिस विद्यार्थी को आए हैं वो भी दोबारा अपना पेपर वो चेक करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 90 से कम वाला अप्लाई करें। और जो इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 100 रुपये है एक पेपर के लिए, यानी एक सब्जेक्ट का पेपर दोबारा चेक करवाना चाहते हो तो 100 रुपये लगेंगे, और अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपके 800 रुपये लगेंगे उत्तर पुस्तिका को दोबारा चेक करवाने के लिए। जो BPL कार्ड वाले हैं उनको अपना जो BPL कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी है वो इसके साथ आवेदन के साथ लगानी पड़ेगी, और तभी उसकी जो फीस है वो भरी जाएगी 800 रुपये, अन्यथा उसके 1000 रुपये ही लगेंगे। और इसमें बता रखा है कि 10% से नंबर कम या 10 ज़्यादा होते हैं तो जो कैंडिडेट 1000 रुपये फ़ीस जमा करवाते हैं पेपर की, उसके 500 रुपये वो है उसके अकाउंट में आ जाएंगे। एप्लीकेशन फार्म भरेंगे उस टाइम अकाउंट नंबर आपके डाले जाएंगे, उसके अंदर जो है उसकी फ़ीस वापसी आएगी अगर आपके नंबर कम या ज़्यादा होते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का एक ही नंबर बढ़ता है तो भी जो उसकी नई DMC आएगी उसके अंदर वो जुड़कर आएगा। ये नहीं है कि एक दो नंबर है वो उसके अंदर प्लस नहीं होते नई DMC के अंदर, न्यू DMC आएगी उसमें एक नंबर प्लस होके आएगा। यदि किसी भी पेपर में 10% से अधिक अंक बढ़ते हैं या घटते हैं तो उत्तर पुस्तिका जो है वो तीसरे कैंडिडेट के द्वारा चेक की जाती है, जो अध्यापक है तीसरे को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है, भी दो टीचर से उनको चेक करवाया जाता है, तभी उसका जो निर्णय दिया जाता है भी हाँ इसके नंबर बढ़े हैं, जो पहले वाला पेपर चेक था वो सही तरह से नहीं हुआ था। और जो ये अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरी जाए या कुछ और नहीं किया जाएगा तो वो एप्लीकेशन फार्म है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो अपना फार्म है वो पूरी तरह पूर्ण रूप से ढंग से भरें, क्योंकि जो दोबारा मौका नहीं मिलता है फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये लास्ट मौका है जो दोबारा पेपर चेक करवाना चाहते हैं उसके लिए। जो उत्तर पुस्तिका है वो किसी को निकाल के या उसकी कॉपी नहीं दी जाएगी, चाहे विभाग उसके माता पिता भी क्यों ना हो चाहे कैंडिडेट हो। ये जो लिखित परीक्षा है इसी का ही पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, इसके अलावा और कोई ये नहीं होगा इसके नियमानुसार। और किसी प्रकार की अगर कोई कानून कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो भिवानी बोर्ड का न्यायालय है उसी में ही कर सकते हैं। ये तो थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको भिवानी बोर्ड की वेबसाइट खोलनी है, यहाँ पे दिया हुआ है रीचेकिंग रिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट का कॉलम शो होगा जिसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्च 2018, 10/6/2018 इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2018, इसकी 7/6/2018 लास्ट डेट है। प्लस टू का रिजल्ट पहले आया था तो इसका जो दोबारा पेपर चेक करने की तारीख है वो कम है, और जो 10वीं का बाद में आया था तो इसके 3 दिन बाद तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट, अभी देखते हैं हम आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इंट्रैक्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर दोबारा चेक करना चाहे तो। ये है अप्लाई करने का तरीका, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 10वीं के लिए अप्लाई करें तो, प्लस टू के लिए करें तो नीचे वाला है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको रोल नंबर डालने हैं, आपके जो रोल नंबर है 10वीं क्लास के, मैंने यहाँ पर 10वीं क्लास सेलेक्ट किया है तो 10वीं क्लास के रोल नंबर। और इसके बाद में रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन,
रिलेशन और रीचेकिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है। उससे पहले बता देता हूं आपको, ये डिजिट इसके अंदर डालने और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने डिस्प्ले ओपन होगी जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप यहां पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके सामने डिस्प्ले आएगी उसके अंदर आपका नाम, पिताजी का नाम और रोल नंबर और जो आपके जो नंबर्स आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज वो डिटेल इसके अंदर दी होगी। आपको सामने वाले पे क्लिक करके सब्जेक्ट को मार्क करना है, एक सब्जेक्ट के लिए, दो के लिए, पांचों के लिए आप कर सकते हैं। और इसमें ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सा करना है, यहाँ से मार्क करना है उसको और उसके बाद ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आगे एप्लीकेशन की फ़ीस भरी जाएगी। उसके बाद में आप इसको ऑनलाइन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बता देता हूं कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी रिप्लाई देंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।